हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द बॉय अमन। सो गाइस, बहुत दिनों से हमने वीडियोस नहीं डाली है क्योंकि एज यूजुअल मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन कल है रक्षाबंधन, हम लोग ने सोचा मस्त सी वीडियो बन जाएगी। सो इसलिए हम लोग आज ये वाली वीडियो जो है वो बना रहे हैं। सो पायल हाय कर दो गाइस को। हाय, अभी तक है ना हमने क्लोथ्स भी नहीं लिए है, ना ही हमने मेहंदी लगाई है, मतलब कुछ भी प्रिपरेशन हमने नहीं की है, ऐसे ही बैठे हैं शांति से। इस बार मतलब एक्साइटमेंट नहीं हो रही है ना? नहीं यार, एक्साइटमेंट तो है लेकिन प्रिपरेशन नहीं की है, ये कह सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन इस बार मुझे है ना, पता है हर साल जैसे हम लोग बहुत ही ज्यादा उत्साह रहते थे, हाँ, वैसा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे मेरे बर्थडे में मुझे एक्साइटमेंट नहीं रहती ना, वैसी फीलिंग आ रही है। तो अब आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे ज्यादा तो हमारे घर में खुश होगी ये लड़की, मेरा जो पिगी बैंक है ना वो पूरा भर जाएगा। सारे भाइयों से बहुत सारा पैसा ले लेगी ये। हाँ, और इस बार है ना 100-200 रुपए से काम नहीं चलने वाला, 1000-2000 रुपए तो एक जन से लूंगी। हाँ भाई, महंगाई बढ़ गई है, हमें भी मेकअप के प्रोडक्ट्स लेने हैं तो 1000 रुपए के तो आएंगे ना। तो खुद से कमा के खुद से कर लो, हमारे भाइयों को क्यों परेशान कर रहे हो। ये तो रक्षाबंधन ही देने तो पड़ेगा। मैं भी कल हमारे स्कूल में ना रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया था, और मैं बताऊँ मुझे क्या मिला है। क्या बताती हूँ, रुक जाओ। फ्रिज खोलो, फरेरो रोशन का डब्बा दिखाओ। फरेरो रोशन नहीं दिया मुझे, इतनी सारी चॉकलेट। बस तेरा बॉयस थे, तेरा ने तेरा दिया, चॉकलेट ना तेरा मेरे पास है। तेरा के तेरा को भाई बना दिया तूने। हाँ तो फिर मैं सबकी बहन हूँ। आपकी क्या तैयारी चल रही है रक्षाबंधन की? मेरा क्या तैयारी चलेगा, अभी मेरे भैया तो मेरे पास में ही नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं ना कि इस रक्षाबंधन पे हम लोग जाएंगे दिल्ली या तो हम लोग जाएंगे कलकत्ता, क्योंकि मम्मी ने ना कब से ना अपने भाइयों को राखी नहीं बांधा है। आई थिंक 21-20 साल से ना मम्मी ने राखी बांधा ही नहीं है। हम लोग जाएंगे दिल्ली या तो हम लोग जाएंगे कलकत्ता, जहाँ की टिकट मिल जाएगी वहाँ पे हम लोग चले जाएंगे, है ना मम्मी? देखते हैं टिकट मिलती है कि नहीं। और टिकट भी हम लोग सोच रहे हैं, पता है किस चीज की लेने की? एरोप्लेन की, यानी फर्स्ट टाइम हम लोग बैठेंगे एरोप्लेन में। इतना खुश हो रहे हैं, कहीं नहीं बैठेंगे तो। मम्मी पोपटलाल मत बनो प्लीज, कैंसल 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 नहीं होना चाहिए। कोशिश करती हूँ। मम्मी पापा को बोलो जल्द से जल्द टिकट कराए ताकि हम लोग तैयारियां कर सके, वरना हम लोग आराम से बैठेंगे और रात को तैयारी करेंगे, है ना? हाँ। इस बार ना मैं पायल और खुशबू के लिए ना बहुत ही मस्त सी है ना रक्षाबंधन की गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये गिफ्ट ना मैं बहुत ही दिन है ना पहले ही लेकर आ चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको है ना दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत की है इन लोगों को ये गिफ्ट देने के लिए। मुश्किल से मैंने है ना सेविंग्स कर करके इनके लिए ना ये गिफ्ट जो है मैं लेकर आया हूँ, तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। पायल और खुशबू दोनों जो है ना वो नीचे के रूम में ना अपनी स्टडीज कर रहे हैं, लेकिन मैं ऊपर के रूम में मम्मी के रूम में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ताकि है ना उन लोग को पता ना चल जाए कि मैं उनके लिए क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ। पायल के लिए लेकर आया हूँ ये पी लेटर वाला पेंडल पेंडेंट, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये लेकर आया हूँ। सिमिलरली मैं खुशबू के लिए भी लेकर आया हूँ ये के लेटर वाला। गाइस अगर पेंडेंट है तो चैन तो होगा ही ना, तो मैं चैन भी लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने ना मुझे इतना सारा सपोर्ट किया है, इतना सारा सपोर्ट किया है ना, 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है वो मेरे हो चुके हैं, वो भी इतनी जल्दी। गाइस आप लोगों ने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ये ना मैं इतनी अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट जो है अपने फैमिली को दे पा रहा हूँ, उनको एक अच्छी सी लाइफस्टाइल दे पा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो ये सारा क्रेडिट जाता है सिर्फ आप लोगों को, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया है। भैया क्या है मेरे लिए, क्या गिफ्ट लाए हो, सच सच बताओ। बहुत ही मस्त गिफ्ट लाया हूँ लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। पर क्या लाए हो बता दो, थोड़ी सी हिंट दे दो। तेरे से पहले गाइस को पता चल गया, 20 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। मेरा फोन टच करके देखना मत कि मैं क्या लाया हूँ, ठीक है? अपना फोन रखना मत घर पे। आए तुझे क्या लगता है क्या लाया हूँगा तेरे लिए? हर बार क्या है तुझे, बता ना। शांति से ऐसे पीछे करके बोलने दे, बता पाया। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दीदी के लिए बूम बूम लेके आए हो। एक्टिवा? एक्टिवा तो अभी नहीं दूंगा यार, मैंने तो वही सोचा था। रक्षाबंधन में क्या देगा भैया? भी लाए 150 रुपया देगा। मम्मी ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और विश कर रही है ना कि टिकट जो है वो हो जाए दिल्ली या फिर है ना कलकत्ता की। कलकत्ता की तो मिल ही नहीं रही है, मैंने बहुत ही ज्यादा चेक किया है ना मम्मी। हाँ।
लेकिन दिल्ली का तो होप है मिल जाएगी, कहीं की भी मिले। मम्मी के भाई दिल्ली में भी रहते, कलकत्ता में भी रहते, बिहार में भी रहते, तीन भाई है, तो कहीं की भी मिल जाए मम्मी चली जाएगी, है ना मम्मी? क्योंकि है ना मम्मी ने ना 20 साल से राखी नहीं बांधी, जब से मैरिज हुई है ना मम्मी की तब से उन्होंने राखी बांधी ही नहीं है ना। हाँ। हर साल है ना मतलब पैसे भिजवा देती थी या फिर राखी भिजवा देती थी या फिर अब तो है ना पेटीएम कर देती थी, लेकिन इस बार मम्मी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आपका सपना पूरा होगा, हो जाएगा तो अच्छा है। फाइनली हम लोग जा रहे हैं ना ये दोनों लड़कियों के लिए ना कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कब से है ना ये दोनों ने मेरा है ना दिमाग खराब करके रख दिया है। रक्षाबंधन के दिन एकदम परी हमें दिखना चाहिए ना। कितना धीरे धीरे चलते हो यार। स्लो चलने वाली हूँ तो मैं स्लो ही चलूंगी ना। तू समझदार है ठीक है, जो भी लेना बजट में लेना प्लीज। मतलब आज मैं है ना समझदारी वाली बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं बजट के बाहर ही लूंगी। नहीं नहीं नहीं, अलमारी में पड़े ही रहते हैं जो कपड़े तुम लोग खरीदते हो ना रक्षाबंधन के लिए। हाँ। वो सारे के सारे। अभी यार देख, पहले है ना मुझे छोटी छोटी चीजें बिल्कुल कम ऐसे पैसे वाली पसंद आ जाती थी, लेकिन अब मुझे है ना ज्यादा पैसे वाली चीजें पसंद आ रही है। ज्यादा मत बोल ठीक है, इससे तो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं खुशबू तेरे से। तो एक्सपेक्ट करो भी बात, क्योंकि मेरे पास कोई बजट लिमिट नहीं होता। खुशबू को है ना ड्रेस उसकी मिल चुकी है ना खुशबू। हाँ, और हमने मेहंदी भी लगवा ली है, पर वहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था इसलिए हम लोग ने नहीं किया है ना। कपड़े का इतने सारे ढेर में से हमने ना एक कपड़ा चूज किया है। उनको इतना परेशान किया ना, इतना परेशान किया ना कि वो, मतलब वो लोग सोच रहे होंगे कहाँ से आ गए। आज तो थक गए ना पायल। हाँ यार, अभी तो मुझे ट्यूशन भी जाना है। छुट्टी ले लेना आज के दिन, आज मेरा इम्पोर्टेंट लेक्चर है इसके लिए। तू तो छुट्टी। हाँ मेरा छुट्टी है, चाबी दो। गाइस आज है ना छुट्टी ले रहा हूँ क्योंकि मैं भी फाइनल हो चुका है कि आज हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली। सो गाइस फाइनली हमारी जो है टिकट जो है अहमदाबाद टू दिल्ली हो गई है। हो गई है ये। ओवर एक्टिंग देखो इसकी, ओवर एक्टिंग। खुशबू कितना मजा आएगा है ना। हाँ, मैं विंडो सीट पे बैठूंगी। तू बैठेगी विंडो सीट पे, मैं बैठूंगी। मैं बड़ा कौन है? बड़ा छोटे से कोई नहीं, अगर जिसकी सीट जगह होगी वही वहाँ बैठेगा। मैंने सुना है कि है ना मैंने सुना है ना कि एयरपोर्ट पे है ना कुछ खाना खाने के लिए नहीं ले जा सकते। कुछ भी हो इसको तो भूख ही लग जाती है। हाँ। भले हमको ट्रेन से जाना हो, गाड़ी से जाना हो या एरोप्लेन से जाना हो, इसको पहले ही भूख लगेगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है हम खाना में क्या खाएंगे। चलो चलो चलो, टाइम वेस्ट मत करो, जाके पैक करो सब सामान, जाओ। हम लोग ने अपने अपने कपड़े तो ले लिए, सीधे हम ये कपड़े ना आपको रक्षाबंधन के दिन दिखाएंगे। ऐसा लग रहा है फ्लाइट की टिकट बुक हो गई तो बहुत खुश हूँ। मम्मी सुबह से ही बोल रही थी कि जाने को मिलेगा, जाने को मिलेगा, है ना। सब कुछ ले लिया है, सिर्फ है ना हमने राखी नहीं ली। अरे जब हम कपड़े की शॉपिंग कर लेंगे ना, राखी की भी शॉपिंग कर लेना ठीक है। ठीक है ठीक है, अभी लिख लो। हाँ, चलो 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 मम्मी। हमेशा की तरह हम लोग है ना शॉपिंग मॉल है ना बहुत ही लेट पहुंचे थे, जिसकी वजह से हमको है ना बहुत सारे कपड़े ट्राई करने को नहीं मिला। दो तीन कपड़े तो मैंने ट्राई किए, लेकिन थोड़े से कपड़े मैंने बिना ट्राई किए ही खरीद लिए हैं, लेकिन आखिरकार मेरे और मेरे परिवार के लिए शॉपिंग हो गई है। गाइस फाइनली हमारी शॉपिंग जो है वो हो चुकी है, और जैसा हमने सोचा था मुझे वैसा कपड़ा जो है वो मिल चुका है, डेनिम वाला। हाँ वही तोतला गया थोड़ा सा। मुझे तो बहुत ही मजा आया आज शॉपिंग करके, क्योंकि पूरी फैमिली थी साथ में, है ना।
आखिरकार लास्ट में पायल और खुशबू लेने के लिए चले गए मेरे लिए राखी। बहुत सारा राखी देखने के बाद वो लोग तो कंफ्यूज हो गए थे, उनको ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे लिए कौन सी राखी ले। फिर आखिरकार बहुत ही सोच समझने के बाद मेरे लिए पायल और खुशबू ने ये तीन राखी जो है वो खरीद ली है। सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ ये डेनिम शर्ट और लेकर आया हूँ ये वाली टी शर्ट। एक पापा के लिए ना पैंट लेकर आया हूँ ये वाली, और मम्मी ने ये अपने लिए ना ये लिया है, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, कुर्ती लिया हुआ है। ये जींस किसकी है? मेरी है। बे तुम लोग एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करवाते हो? जब तुम्हारे पास होता है तो क्यों नहीं वो यूज करते हो यार? मेरे पास पैंट्स नहीं थे भाई, पहली बार एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो नया कपड़ा पहनना चाहिए ना। लो भाई मोजे भी लिए हैं, वाह वाह। अच्छा ये पापा का शर्ट है गाइस, एक पापा के लिए मैंने शर्ट भी लिया है व्हाइट कलर का। ये वाला मुझे बहुत ही मस्त लगा, ब्लैक कलर का टी शर्ट जी, इसकी ये वाली डिजाइन अच्छी लगी, पूरा ब्लैक और कॉलर पे है ना ये वाला व्हाइट। मैं कितने दिन से ये खोज रहा था गाइस, फाइनली मुझे मिल गया ये यही पहन के गाइस आज मैं है ना एरोप्लेन में चढ़ूंगा। सो गाइस जब भी हमें बाहर जाना होता है ना तो हमारे घर की हालत ना कुछ ऐसी हो जाती है, इसलिए बोला था पहले पैकिंग कर लो। आप लोग है ना टिकट का वेट कर रहे थे, मुझे पता था कि टिकट मिल जाएगा। मुझे नींद आ रहा है, ये लोग पैकिंग करवा रहे हैं। खुशबू क्या मजा आ रहा है ना? बहुत ही मजा आ रहा है, बस पैकिंग करने के समय मजा नहीं आता। क्योंकि ना तब मुझे ना कोई भी नया कपड़ा दिखता नहीं है। दो दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। तो चार कपड़े से ज्यादा तू मत लेना, ठीक है? अरे भैया चार कपड़े मिलने तो दो पहले। इस बार खुशबू के पास एक भी नए कपड़े नहीं है ना? अगली बार तो है ना मेरे बर्थडे के सारे नए कपड़े थे तो मैं लेके चली गई थी। गाइस मुझे ना बहुत ही धक धक वाली फीलिंग हो रही है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमारी फ्लाइट जो है वो मिस होने वाली है, क्योंकि हमको है ना 5 बजे तक पहुंचना है। ये लोग जिस स्पीड में पैकिंग कर रहे हैं ना मुझे तो ऐसा लग रहा है 2 बज जाएंगे इनको पैकिंग करने में, लेकिन हमको है ना वहाँ पे है ना 3 बजे तक पहुंचना है, और ऊपर से हमको है ना कोई है ना एयरपोर्ट पे छोड़ने वाला नहीं है हमारे रिलेटिव्स में, इसलिए हमको ना तो है ना उबर करना पड़ेगा या फिर ओला करना पड़ेगा। पता नहीं ओला उबर वाले अंकल हाँ पाड़ेंगे कि नहीं पाड़ेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ही टेंशन हो रहा है। गाइस कैसे हम लोग पहुंचेंगे? मैं सिर्फ विश कर रहा हूँ भगवान जी से कि हम लोग एयरपोर्ट पे ना सही समय पे पहुंच जाए और हमारा चेकिंग जो है वो हो जाए। गाइस हमारी 80% पैकिंग है ना वो हो गई है, बस 20% बाकी है, पर मम्मी का है ना 0% भी नहीं हुआ। चार कपड़े तो पसंद कर लिए है, अभी और बोल रही है कि और 2-4 कपड़े लाते हैं। मम्मी बाद में ना सेट लगाना, इस पे ये अच्छा लगेगा, इस पे ये अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा ही लगता है मम्मी। जो है फटाफट से ना भर के ना फटाफट से पैकिंग का ना कंप्लीट करो मम्मी। मेरे ना जूते फट गए थे इसलिए मैंने ना ये नया शूज लिया है, ये मेरे लिए लिया है और पापा के लिए भी नया लिया है, ये वाला जूडियो से ही लिया है, ये वाला बहुत ही मस्त लग रहा है ना, पापा के ज्यादा अच्छा लग रहे हैं घर पे लाकर मुझे, और मेरे थोड़े से कम अच्छे लग रहे हैं पता नहीं क्यों। सो पायल एक खुशखबरी दूं तुझे। दे। हमारा जो उबर का राइड जो है ना, हाँ, वो एक भैया ने एक्सेप्ट कर दिया है। ये मतलब फाइनली अब टाइम से है ना, मतलब हमारे घर पर जो है वो गाड़ी आ जाएगी और उसमें हम लोग बैठ कर हम लोग जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? एयरपोर्ट। ये बैठेंगे प्लेन में फर्स्ट टाइम। कितना एक्साइटेड हूँ पायल। आपको पता नहीं होगा लेकिन कैमरे के पीछे ये इतना मतलब इतना हंस रहा था ना, मैंने तब उसको फोन उठाया नहीं और रिकॉर्ड नहीं किया। आज तो मेरे चेहरे पे ना अलग ही खुशी दिख रही है सच पायल। हाँ ये सब लाइफस्टाइल के लिए हमने ना बहुत ही ज्यादा मेहनत की है ना पायल। हाँ। ये बोल रही थी ना गाइस एक्साइटमेंट के कारण मुझे ना नींद नहीं आएगी, और इसे अभी देखो कैसे सो रही है, पता नहीं छोटे बच्चों का क्या होता है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। मुझे देखो 2:30 बजे ना गाड़ी वाले अंकल आने वाले हैं हमको ले जाने के लिए, और मुझे ना नींद ही नहीं आ रही बिल्कुल भी, ऊपर मम्मी पापा भी ना सो गए, और मुझे और पायल को देखो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ये है मेरा फुल लुक एयरपोर्ट लुक। पायल तू भी बता दे अपना। और मेरा भी मेरा फुल लुक। और मुझे पता है कि मैं दीदी से ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हूं, वो तो कमेंट में लोग बता देंगे कि कौन ब्यूटीफुल लुक। दोनों लग रहे हो, दोनों लग रहे हो। अरे दोनों लग रहे हो। तो गाइस ये है मेरा लुक, कोई भी मुझे देखकर हंसेगा नहीं। ऐसा लग रहा है कहीं का हीरो आया है। ये निकाल दे, ये कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है ना। अब सही लग रहा है ना। अगर आपको मन करे तो ये भी निकाल सकते हैं। वे जैकेट्स तो लोग पहनते ही है। वे इतनी गर्मी में इसने 1-2 अंदर तो पहना ही होगा, 3-3 पहना है। वे थोड़ा सा क्लासी लगने के लिए। मेरा गाइस मेरा ये ब्यूटीफुल लग रहा है मुझको, ऐसा मुझको नहीं करना।
अब क्या करें गाइस, लोग अपने आदत नहीं भूल सकते। ये मेरे लिए हैप्पी हैप्पी खुश है आज मम्मी, है ना? आज राखी बांधोगी कि कल बांधोगी? सच सच बताना। गुरुवार को बांधोगी। गुरुवार को मतलब कल बांधोगी ना? हाँ। आज तो 30 तारीख है, कल 31 है ना? 31 तारीख को बांधेंगे। हाँ चलो फटाफट से ना घर को लॉक करो। और मैं तो जब से इधर आई हूँ तो आजू बाजू देख ही रही हूँ। पापा को जगा ना प्लीज, चेकिंग का टाइम हो जाए। अरे पापा को मैंने ना 2 से 3 बार जगा दिया, तब भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि कर लेंगे कर लेंगे। खुशबू उठ ना, इस प्रे में मेरे को कंटाला आ रहा है अकेले अकेले। मुझे खुद को कंटाला आ रहा, नींद आ रहा तो सोने दे। पापा को जगा चेकिंग करने के लिए। नहीं उठ रहे। उठा उठा पापा, अपनी ही बात मानते हैं, किसी और की बात मानते ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम 4 बजे चेकिंग करने के लिए जाएंगे। नहीं हमसे वेट नहीं हो रहा है। जब हमें आगे की रोटी मिल रही है तो पीछे की रोटी क्यों खाया ना? बहुत जोर से भूख लगी है पायल, तू घर से खा के आना चाहिए। अरे तुमने तो कुछ खाया भी है? मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ 10 रुपए की पकौड़ी खाई है मैंने बस। मेरे लिए नहीं खाया तुमने? एक्साइटेड है तू अंदर जाने के लिए एरोप्लेन में? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पर पापा चेकिंग कर ही नहीं रहे। अरे वॉशरूम से आएंगे ना तब करेंगे। वो अभी तक वॉशरूम में ही है। यस yes. नींद आ रही है यार मुझे। मुझे भी आ रही है। अभी अभी समोसे चीज ब्रेड वो सब खाया। हाँ। ना इसलिए। अब क्या करे, नींद आ रही है। नहीं खाया होता ना तो सही रहता, पर अभी हमारे फ्लाइट में बहुत अभी देर भी है ना। हाँ डिले नहीं हुई है, वो टाइम से ही है। नहीं डिले हुई है। नहीं नहीं 6:55 का ही था, मैंने झूठ बोला था कि 5:55 का है। झूठ है। अगर नहीं बोलता तो तुम लोग जल्दी आते हैं। फाइनली कुछ ही समय में है ना मैं एरोप्लेन में बैठने वाला हूँ। ये सब तो मुझे एक सपने की तरह लग रहा है, कभी भी मैंने है ना ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया है। आज मैं पहली बार ये सब एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। ये सब तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था, वीडियोस में देखा था, लेकिन पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो बहुत ही खुशी हो रही है। थोड़ी ही देर में है ना एरोप्लेन उड़ने वाली है, ऐसी अनाउंसमेंट हुई, और वो सुनकर पता नहीं मुझे है ना बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। क्यों? हमेशा ना पापा जो है अपनी कार में बिठाकर मुझे है ना बहुत सारी जगह घुमाए हैं, लेकिन आज तो देखो मेरे बाजू में बिठाकर मैं अपने पापा को है ना एरोप्लेन में बिठाकर दिल्ली लेकर जा रहा हूँ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कैसा
लग रहा था, ऑब्वियसली डर लग रहा था, मैं तो कानी बंद हो गई थी, पूरा देखा कैसे ऐसे उड़ रहा है झूठी। ये थर्ड सीट पे बैठ के इसने सब कुछ नहीं, मैंने दूर से देखा, मैंने दूर से देखा। कोई थोड़ी समय के बाद है ना मेरे कान जो है वो बंद हो रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ मेरे भी ऐसे हो रहे हैं। एरोप्लेन में तो बैठने का हर किसी का सपना होता है और आज हम तीनों भाई बहन का सपना जो है वो पूरा हो चुका है खुशी खुशी। नीचे उतर रहे हैं ना। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया फ्लाइट बिठाने के लिए, थैंक यू, थैंक यू। नीचे हाँ हाँ मुझे एक व्यू देखने दे बे, इग्नोर मत कर मेरा भाई मुझे। देख देख छोटा छोटा घर भी दिख रहा है ना, घर तो पहले भी मुझे दिख रहा था। अरे अभी दिख रहा है, थोड़ी देर पहले नहीं दिख रहा था। संदी संदी देवी जो हालत